नमस्कार दोस्तों टेस्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है और आज हम हमारा एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं जो है संग्राम इनिशिएटिव राइट तो आज संग्राम बैच का पहला दिन है आई होप आप सब लोग को टाइम टेबल कल जो हमने आ, सेशन लिया था उस सेशन में सभी को आज के क्लासेस का टाइम टेबल मिल गया होगा राइट जस्ट वन सेकेंड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन ओके सो जैसे मैंने कहा था कि आप सभी लोगों को आ, हमने एक कल जो आ, सेशन लिया था फोर थर्टी को उसमें मैं प्राची मैम और सोनप्रिया मैम ने मिलकर आपको कहा बताया था कि संग्राम मैच क्या होगा और इसमें हम क्या चीजें करेंगे राइट सो आई होप ऑल ऑफ योर आर वेरी वेरी एक्साइटेड और अगला जो एक घंटा होने वाला है हम बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने वाले राइट right? वॉट आई बी डूंगे और फ्राइडे कल दो ही दिन है इस में, तो आज और कल हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को रिवाइज करेंगे और अगले वीक में जो जो टॉपिक्स होंगे उसकी लिस्ट आपको पहले ही दे दूंगा सो दैट यू कैन रिवाइज ऑन योर एंड एंड कम यहाँ पर हम क्विक रिविजन के ऊपर फोकस करने वाले हैं एंड विल बी सॉल्विंग सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो ओके सो आई होप गाइज यूल आर रेडी फॉर अ वेरी वेरी क्विक रिविजन And in session, हम ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा प्री एटीन फिफ्टी सेवन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में और जब उन्होंने uh, अपना राज शुरू किया भारत में तब उनके जो उनका जो पूरा रूल था जो हम कॉलोनियल रूल कहते हैं उसको हम मुख्यतः दो टाइप्स में बाइफरकेट कर सकते हैं वो दो टाइप्स कौन से हैं दोस्तों वो एक टाइप था, था कंपनी रूल राइट द फर्स्ट टाइप वाज व्हाट कंपनी रूल है ना कंपनी रूल कहा से कौन से साल से कौन से साल तक चला फ्रॉम सेवनटीन टू एटीन इसे हम इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम कंपनी रूल कहते हैं क्यों क्योंकि इस टाइम पीरियड में मतलब 1773 से लेके 1857 तक ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल रूल नहीं कर रहा था इट वाज ऑफ इंग्लिश ईस्ट किया कि अगर हमें भारत के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना होगा तो हमें एक साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भारत में लानी होगी और यही साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाने के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ एक्ट्स पास करती है कुछ अधिनियम पास करती है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे राइट ओके ओके जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे और सबसे पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सेवन थ्री ओके फाइन अभी जो भी हम एक्ट्स पढ़ने वाले हैं उसका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंस है वो जान के लेंगे प्रिलियम्स के अगर आपने जीएस का पेपर देखा होगा

राइट सो देयरफॉर रिमेंबरिंग दीस एक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू जो डिफिकल्टी फेस होती है यार इतना सारा इतने सारे एक्ट से इतने सारे एक्ट्स के इतने सारे प्रोविजंस हैं वो मैं कैसे याद रखूं द ओनली थिंग इज एक स्टोरी के साथ साथ इसको याद रखेंगे और वो स्टोरी के साथ-साथ हम इन चीजों को याद रखने की कोशिश करेंगे ओके okay? ओके <coughs> okay?

में under under बंगाल में सिस्टम ऑफ ड्यूएल गवर्नमेंट क्लाइव का बहुत भारी भक्कम नुकसान होने लगा और कंपनी के जो एम्प्लॉय थे जिसे कंपनी के सर्वेंट्स कहते थे वो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा अमीर होने लगे तो कंपनी ने कहा कि यार पूरा बंगाल हमारे पास है फिर भी हम लॉस में जा रहे तो उन्होंने तहकीकात करना शुरू कर दिया कि भाई कंपनी लॉस में क्यों जा रही है जब उन्हें पता चला कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ ऑफ 1773 का मतलब रेगुलेशन का मतलब क्या किसी भी चीज को रेगुलेट करना किसी भी चीज को अच्छा करना राइट पॉइंट नंबर वन हमें यह समझ में आया कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया उसके बाद अब रेगुलेटिंग एक्ट के क्या क्या नियम थे पहला उन्होंने कहा कि अब गवर्नर ऑफ बंगाल को हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहेंगे राइट right? तो बेसिकली उन्होंने डेजिग्नेशन चेंज कर दिया ठीक है उन्होंने डेजिग्नेशन चेंज कर दिया अब हम सिर्फ उसे गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं कहेंगे हम उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहेंगे ओके फाइन हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो इट वाज वॉरन हस्टिंग्स राइट वॉरन हस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल राइट ओके राइट सो दिस इज वन थिंग दैट वी रिमेंबर फाइन अब चलो एक आपने एक एक दिन पहले ये बात पढ़ी होगी ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में राइट right? प्रिया मैम ने ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में आपको बताया होगा ब्लैक होल ट्रेजेडी कौन से वॉर से रिलेटेड है कोई मुझे बता सकता है एनी वन ब्लैक होल ट्रेजेडी कौन से वॉर के साथ रिलेटेड या कौन से बैटल के साथ रिलेटेड है एनी वन यू कैन टेल मी ब्लैक होल ट्रेजेडी किसके साथ रिलेटेड है वेरी गुड विजय इट इज रिलेटेड बैटल ऑफ प्लेट इन बैटल होल ट्रैजेडी होती है क्या हुआ था तो जो प्रिजनर में वो जो लोगों को बंदी किया गया था उसमें ऐसा कहा जाता है कि वॉरन है पर्सन ओके तो सिराज दौलाइड चें है ना ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि वॉरेन हस्टिंग्स भी एक बंदा था उसमें से, राइट फाइन सो दैट वाज अबाउट वॉरेन हस्टिंग्स इसके बाद चलो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बन, बना दिया हमने अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल काम कैसे करेगा तो इसको काम करने के लिए आपने एक बॉडी प्रोवाइड कर दी जिसको कहा गया गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल राइट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को काम करने के लिए उसको मदद करने के लिए एक बॉडी बना दी गई जिसका नाम था गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल माइंड वेल रिमेंबर ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों काम करती थी लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब लॉज बनाने का काम भी करती थी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब लॉज इंप्लीमेंट करने का भी काम करती थी सो दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच वॉज क्रिएटेड अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवनटीन दोनों काम करती थी ऑफ मेकिंग द लॉज एज वेल एज इंप्लीमेंटिंग द लॉज राइट ओके अपार्ट फ्रॉम दैट अब क्या हो गया जो बाकी के दो प्रेसिडेंसी मद्रास और, बॉम्बे, बॉम्बे okay? और जनरल right? इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई की सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाता वॉज एस्टैब्लिस्ड ओके और सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश एट कलका अभी वापस एक चीज जो हम याद रखेंगे एग्जाम के परस्पेक्टिव से वो ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है दिस इज नॉट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हम हम आज के तारीख में देखते हैं ओके दिस वॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो अब हम आज की तारीख पे देखते हैं वो पहले फेडरल कोर्ट था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत बना था राइट right? तो वो भी वो भी चीज आप याद रखोगे इवन दैट थिंग इज समथिंग दैट यू विल रिमेंबर इसके अलावा मैंने आपको क्या कहा था रेगुलेटरी एक्ट क्यों लाया गया था क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट कम होने लगे थे और सर्वेंट जो कंपनी के एम्प्लॉय थे जिसे सर्वेंट्स कहते थे वो बहुत ज्यादा अमीर बनने लगे तो इसके लिए रेगुलेटरिंग एक्ट ने क्या कहा कि जितने भी कंपनी के सर्वेंट्स थे वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे मतलब वो खुद के प्राइवेट बिजनेस नहीं करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए काम करेंगे

विजय विजय ने करंट अफेयर को बहुत बढ़िया तरीके से जोड़ा है और बिग राउंड ऑफ शुड हैपन फॉर विजय विजय कहता है कि कंपनी के सर्वेंट्स मून लाइटिंग करते थे एक्जैक्टली exactly, वो मून लाइटिंग ही करते थे और मून लाइटिंग करना अलाउड नहीं था ओके ठीक है अब आते हैं दूसरे एक्ट में विच इज एज कॉलेजिंग एक्ट ऑफ सेवनटीन एटी वन अब अमेंडिंग एक्ट ऑफ सेवनटीन एटी वन जैसे इसका नाम है अमेंडिंग अमेंडिंग मतलब किसी भी चीज में बदलाव लाना

सम ऑफ दी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट अमेंडिंग एक्ट ज्यादा कुछ नहीं है अमेंडिंग एक्ट में ठीक है अगर आया भी तो इतना ही याद रखना कि अमेंडिंग एक्ट क्यों आया था क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे वो डिफेक्ट्स को चेंज करना था एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा का जो जुरिस्डिक्शन था वो कम कर दिया गया था ठीक है सिर्फ कैलकाटा शहर तक ही ये जुरिस्डिक्शन मर्यादित था ओके नाउ लेट्स कम टू अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अनदर इंपॉर्टेंट एक्ट जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ सेवनटीन एटी फोर ओके पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 अब पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में क्या हो गया पहले तो अ काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो ओके एक काइंड ऑफ डबल गवर्नमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया अब ये कैसे किया गया कि कंपनी के जो भी फंक्शंस थे ठीक है पॉलिटिकल मिलिट्री और कमर्शियल फंक्शंस इसको डिवाइड कर दिया गया देखो इसको समझने का एक बहुत इजी तरीका है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों आई थी भारत में आई थी ट्रेड करने के लिए मतलब उनका मेन फंक्शन क्या था कमर्शियल वाला फंक्शन था क्यों क्योंकि वो बिजनेस करने आई थी भारत में पर धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल फंक्शंस भी ले लिए मतलब किसी किंगडम के साथ ट्रीटी करो किसी किंगडम के खिलाफ वॉर छेड़ दो किसी किंगडम को अनेक्स कर लो राइट सो so, पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस भी उन्होंने धीरे धीरे अंडरटेक कर दिए अब क्या हो गया एक ही बॉडी थी एक ही बॉडी थी जो दोनों पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन देख रही थी मतलब एक ही बॉडी थी जो दोनों जो दोनों पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन देख रही थी ओके ओनली वन बॉडी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो जो एक दोनों एक ही बॉडी जो दोनों फंक्शन देख रही थी इसलिए क्या हुआ कि वो जो एफिशिएंसी थी वो कम होने लगी इसके लिए पिट इंडिया एक्ट ने क्या किया पिट इंडिया ने एक्ट ने कहा कि हम पॉलिटिकल फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस को अलग अलग कर देंगे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है आपका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल सिर्फ कमर्शियल फंक्शन को ओवर करेगा राइट right? तो बिजनेस रिलेटेड जो भी बात होगी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा और पॉलिटिकल और मिलिट्री के रिलेटेड जो भी बात होगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा ओके राइट सो बेसिकली वॉर्डेड पिट्स इंडिया एक्ट दो पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के फंक्शन को डिवाइड कर दिया कंपनी के फंक्शन को डिवाइड करना क्यों इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहले सिर्फ एक ही बॉडी थी जो कंपनी के दोनों फंक्शन देखती थी और इसके लिए एफिशियंसी कम होने लगी थी and therefore in order to <coughs> in order to uh, distinguish between these two functions of the company, uh, these two functions kya ho gaya pits in the act was passed okay this is point number 1 point number 2 was sabse bada point पहली बार पहली बार ब्रिटिश क्राउन अब तक हमने क्या देखा कि जो ये एक्ट से ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ला रही है पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी Uh, जो ब्रिटेन में है वो क्राउन के नीचे काम कर रही है तो पहली बार क्राउन ने ये कहा कि जितने भी कंपनी की दौलत है भारत में वो कंपनी की नहीं है बट बटवर कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजेशन वर नॉट कंपनीज दे वर बट दे वर कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजेशन ओके सो दिस वॉज अबाउट दिट्स इंडिया एक्ट ओके और पहली एंड वन uh, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस थोड़ा सा स्टार्ट होता इज आल्सो योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डील था दैट वॉज विथ रिस्पेक्ट टू कमर्शियल फंक्शन और जितना भी पॉलिटिकल po और सिविल वाला एडमिनिस्ट्रेशन वाला चीज था इसलिए था ये इसके साइड था ठीक है दोस्तों आपको पता होगा कि फ्रेंच फ्रेंच जो फ्रेंच आए थे इंडिया में इवन वर अ पावरफुल बॉडी बट इवन देन वाई डिड ओनली ब्रिटिश सक्सीड इन इंडिया एंड फ्रेंच लॉस द कंट्रोल स्लोली एंड स्टडीली इन इंडिया अगर आपने अगर आपने इस चीज को पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि फ्रेंच आपने ड्युप्लिक्स को पढ़ा होगा राइट फ्रेंको ड्यूप्लिक्स को आपने पढ़ा होगा ही वॉज अ वेरी वेरी गुड कमांडर ठीक है पर फिर भी फ्रेंच इस फ्रेंच कंपनी इंडिया में अपना होल्ड नहीं जमा पाई और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपना होल्ड बहुत अच्छे से जमा पाई ये क्यों था क्योंकि जो फ्रेंच थे उन्होंने मिलिट्री पर्पज को ज्यादा महत्व दिया दे फोकस ऑन मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट उन्होंने अपने कमर्शियल फंक्शंस को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर दिया पर अब जब आप किसी के खिलाफ युद्ध छेड़ते हो तो उस युद्ध को स्पॉन्सर करने के लिए आपको पैसा लगता है राइट right? उस युद्ध को स्पॉन्सर करने के लिए आपको क्या लगता है पैसा लगता है पर फ्रेंच लोगों ने इस कमर्शियल वाले एस्पेक्ट पे थोड़ा कम ध्यान दिया और सिर्फ मिलिटराइजेशन वाले इस एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस किया पर ब्रिटिश ऐसा नहीं थे ब्रिटिश ने दोनों को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग फंक्शंस ही बना दिए सो दैट नथिंग गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड ओके ओके फाइन सो दैट वाज अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट नाउ वी गो टू द दमेंडिंग एक्ट ऑफ ओके अब अमेंडिंग एक्ट ऑफ सेवन ने क्या किया जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनके पास ज्यादा पावर्स दे दी

तो गवर्नर जनरल के पास ये पावर आ गई थी कि वो उनके डिसीजन को ओवरटर्न कर सके राइट right? उनके पास ये पावर आ गई थी ओके okay? उनके पास ये पावर आ गई थी कि जो आ, उनका आ, उनके पास ये पावर आ गई थी कि देखो ओवरटर्न द काउंसिल डिसीजन और इसके अलावा जो गवर्नर जनरल थे ऑफ बंगाल उनको पास और भी एक ये दे दी दे गई थी कि

ओके सो चार्टर एक्ट्स क्या थे कंपनी को रेगुलेट करने के लिए या कंपनी के लिए बनाए गए कुछ रूल्स को चार्टर एक्ट्स कहा गया अब ये चार्टर एक्ट्स हर 20 साल के बाद आएंगे ऐसा याद रखो कि अभी 1793 में एक आता है उसके बाद 20 साल मतलब 1813 में एक आएगा उसके बाद 20 साल मतलब 1833 में एक आएगा और उसके बाद 20 साल मतलब 1853 में एक आएगा राइट सो यू कैन इजीली रिमेंबर द चार्टर एक्ट वाला सीरीज चार्टर एक्ट ऑफ 1793, उसके बाद 20 साल 20 साल 20 साल तो एटीन तक चार्टर एक्ट ही चलते हैं राइट right? अब चार्टर एक्ट ऑफ सेवनटीन नाइन थ्री ने क्या किया चार्टर एक्ट ऑफ सेवन थ्री ने जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया में उसको और बीस साल के लिए एक्सटेंड कर दिया ट्रेड मोनोपोली मतलब क्या फॉर इंस्टेंस ब्रिटेन ब्रिटेन में Britain में बहुत सारी कंपनीज थी एक उसमें से थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेटस अज्यूम दूसरी थी एक्स वाई जेड और तीसरी थी ए बी सी राइट अभी अगर इंडिया के साथ ट्रेड करना है इफ यू वॉन्ट टू ट्रेड विथ इंडिया आइडियली

सेकेंड पॉइंट गवर्नर जनरल के को और अथॉरिटी दे दी गई राइट right? बस अपार्ट फ्रॉम दैट 1793 में इतना कुछ खास बात नहीं हुआ था क्योंकि आपको पता होगा कि 1793 के जस्ट पहले 1791 1792 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल लड़ा गया था कोई बता सकता है कि वो कौन सा बैटल था इस बैटल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन कर दी गई थी जिसकी वजह से भारत का एक राजा था उसको ऑलमोस्ट थ्री करोड़ की बूटी देनी पड़ी थी इंग्लिश ईस्ट ने कंपनी को और जब तक वो थ्री करोड़ की बूटी नहीं देते उस राजा के दो बेटों को इंग्लिश ईस्ट ने कंपनी ने अपने पास रख लिया था कोई बता सकता है ये ट्रीटी कौन सी थी एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट वाज दैट ट्रीटी नहीं प्लासी तो 1757 में हो गया ना 1793 से पहले की बात कर रहा हूं मैं 1793 से पहले की और अब्दुल अली इज गुड बट हाइदर अली का 17 uh, 80s में ही विल डाई ओके इन 1781 ही विल डाई एग्जैक्टली वेरी गुड श्रीनिधि इट वाज द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जिसके एंड में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन होता है और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में ये सारी चीजें होती हैं ओके राइट सो जस्ट कीप दिस थिंग्स इन माइंड

ब्रिटिश की ब्रिटिश की में जो बाकी सारी कंपनीज हैं ओके वेरी गुड एवरी सो ब्रिटिश की जो बाकी सारी कंपनीज हैं वो कंपनीज भी इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती है वो कंपनीज भी इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती है पर ब्रिटिश के पास ये एक्सक्लूसिव मोनोपोली थी कि अगर चाइना के साथ कोई ट्रेड करना हो या फिर चाय में कोई व्यापार करना हो तो ऐसे वक्त सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही वो व्यापार कर सकती है ंग माई सेल्फ सेवेंटीन नाइनटी में क्या बोले थे 1793 में ये बोले थे कि अगर भारत के साथ कोई व्यापार करना हो तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है 1813 में क्या कहा कि बाकी जो अन्य कंपनीज हैं अगर उन्हें भारत के साथ व्यापार करना है तो वो व्यापार कर सकती है दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट दैट वॉज ब्रिटिश मर्चेंट्स अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया द वेरी फर्स्ट पॉइंट अब क्या बाकी कंपनी सारे इसमें ट्रेड कर सकती थी नहीं अगर ब्रिटिश को चाइना के साथ कोई भी व्यापार करना है या फिर चाय में इन टी कोई भी व्यापार करना हो तो इन दो चीजों का व्यापार सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी बाकी कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती इन दो चीजों को छोड़कर भारत के साथ अगर कोई भी व्यापार करना हो तो ब्रिटिश की कोई भी कंपनी कर सकती है ओके ओके सो दैट वाज़ द फर्स्ट थिंग दैट वाज़ डन इन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, राइट right? ओके okay, ये एक चीज थी उसके बाद कंपनी को कहा गया कि आप अगले 20 साल तक भारत में जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया है वो अगले 20 साल तक आप कंटिन्यू कर सकते हो राइट ऑब्वियसली चाइना टी और और एक चीज थी वो था सबका फेवरेट ओपियम आई एम जस्ट जोकिंग ओके दिस इज नॉट सबका फेवरेट ओपियम के साथ भी अगर ट्रे, ट्रेड करना हो तो सिर्फ और सिर्फ ई यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी ओके नो इट वॉज ओपियम ऑल्सो

और अपने रिलीजन को प्रमोट करे विच मीन्स क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करे राइट right? अब इसके वजह से क्या हो गया अब इसके वजह से क्या हो गया कि वो जो आप कहते हो कि कन्वर्जन स्टार्ट हो गए एंड पीपल का जो रिलीजन था वो हर्ट होने रिलीजियस बिलीव्स थे वो हर्ट होने लगे तो इन चीजों की वजह से वो uh, वो चीज हो गई राइट right? कि मिशनरीज को भारत में आके उनके धर्म का प्रचार करने की परमिशन भी दे दी गई राइट सो दिस इज अनादर इंपर्टेंट पॉइंट दैट ओवर है ओके, सो चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टीन फॉर यू ओके धर्म प्रचार के लिए वेरी गुड वेरी गुड सो वापस एक बार चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टीन क्या था दोस्तों अगर मुझे चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टीन याद करना है तो मैं क्या याद करूंगा कि इस पर्टिकुलर चार्टर एक्ट ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अगले बीस साल के लिए बढ़ाया पॉइंट नंबर वन

इंडियन एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए एक लाख रुपए का फंड बाजू में रखा गया था परंतु यह फंड कभी भी प्ले में नहीं आया ओके सो दीज आर द फाइव इंपॉर्टेंट आर गोइंग टू रिमेम्बर फ्रॉम द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नाउ वी कम टू 1833 क्यों? क्योंकि मतलब चाइना चाय और ओपियम में अगर ट्रेड करना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी कर सकती है वो भी चीजें हटा दी ठीक है वो भी चीज हटा दी अब अगर इसमें भी ट्रेड करना हो तो ब्रिटिश की कोई भी कंपनी इन चीजों में भी ट्रेड कर सकती है ओके, फर्स्ट थिंग वॉज की इट एंडेड ब्रिटिश मोनोपोली कंप्लीटली रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ठीक है अब ये चीज हट जाती है अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को आप एक नया डेजिग्नेशन देते हो आप उसे क्या कहते हो आप उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते हो

कि थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन हो गया है ओके अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा जान कर लेंगे ओके okay? सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या कि पहले क्या होता था तीन प्रेसिडेंसीज थी एक था बंगाल एक था बॉम्बे और एक था बंगाल मद्रास और बॉम्बे ठीक है ये तीन प्रेसिडेंसीज थी ये तीन प्रेसिडेंसीज अपने-अपने स्फीयर में काम करती थी ओके okay? ये तीन प्रेसिडेंसीज अपने-अपने स्फीयर में काम करती थी okay? एक दूसरे के साथ थोड़ा सा एक दूसरे के साथ इनका कुछ भी ज्यादा संबंध नहीं आता था ज्यादा संबंध नहीं आता था मतलब अगर बॉम्बे के लिए कोई लॉज बनाने होंगे तो यहाँ के लॉज यहाँ के गवर्नर बनाएंगे यहाँ के लॉज यहाँ के गवर्नर बनाएंगे और बंगाल के लॉज बंगाल के गवर्नर बनाएंगे पर 1833 में क्या हो गया सेंट्रलाइजेशन हो गया सेंट्रलाइजेशन मतलब अब ये जो दोनों प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास ये कंप्लीटली बंगाल के प्रेसिडेंसी के नीचे आ गई

सेंट्रलाइजेशन इज नथिंग बट केंद्रीयकरण ठीक है तो एक सेंट्रलाइजेशन हो गया ये चीज आप याद रखोगे 1833 में सेंट्रलाइजेशन होता है uh, 1861 में जब हम पढ़ेंगे उसमें डिसेंट्रलाइजेशन होगा ठीक है तो ये चीज याद रखना कि 1833 में सेंट्रलाइजेशन हो गया सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या पड़ा था हमने सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो खुद के लिए आप कोई भी लॉज नहीं बनाएंगे अगर कोई भी लॉज बनाने हैं तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएंगे और उस वक्त पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे तो हम सबको पता है लॉर्ड विलियम मेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे राइट सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू रिमेंबर इसके बाद

और पहला ये जो लॉ कमीशन था वो किसके चेयरमैनशिप के अंदर बैठा था कोई बता सकता है मुझे ये ये जो लॉ कमीशन था ये किसके चेयरमैनशिप के नीचे था आप किसके चेयरमैनशिप के नीचे था ये चीज हमने पढ़ी है आपने नाम सुना होगा मकोले टीबी मकोले राइट वेरी गुड वेरी गुड लॉर्ड मकोले ये नाम आप याद रखोगे तो भारत का सबसे पहला लॉ कमीशन 1833 में बना था किसके चेयरमैनशिप के अंडर तो मकोले के चेयरमैनशिप के अंडर हिस्ट्री में इतिहास में आपने ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट अप्रोच के बारे में पढ़ा होगा राइट right? जब भी आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में तब आप ओरिएंटलिस्ट अप्रोच वर्सेस एंग्लिसिस्ट अप्रोच के बारे में पढ़ते हो ये दो अप्रोचेस थे जिसके बीच में फाइट हो रही थी कि इंडिया में कौन से प्रकार की एजुकेशन सिस्टम लाई जाए ओरिएंटलिस्ट जो थे वो ये चाहते थे कि इंडिया में जो भी एजुकेशन सिस्टम लाए वो इंडियन लैंग्वेज में लाए और वो इंडियन सब्जेक्ट्स में लाए जैसे कि जो वैदिक सब्जेक्ट्स है या फिर वो जो इंडियन मैथमेटिक्स है उसमें लाए

राइट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना था और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करता था ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों काम करता था मतलब लॉज भी बनाओ मतलब लेजिस्लेटिव का काम भी करो और एग्जीक्यूटिव का काम भी करो मतलब लॉज भी इंप्लीमेंट करो लॉज बनाओ भी और लॉज इंप्लीमेंट भी करो राइट दिस इज समथिंग दैट वी डिस्कस इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 1853 में क्या होता है 1853 में ये जो बॉडी है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उस बॉडी के जो फंक्शन थे वो डिवाइड कर दिए गए मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए अब अलग बॉडी बनाई दी जाएगी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए एक अलग बॉडी बना दी जाएगी दैट इज इज द द फर्स्ट पॉइंट सेपरेशन ऑफ ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल तो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनता है राइट दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर पॉइंट ठीक है ये चीज आप याद रखोगे 1853 में सेपरेशन होता है किस चीज का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो कब बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में बनी थी ठीक है ये सबसे पर, ये सबसे बड़ा, बड़ा पॉइंट उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में छह नए सदस्यों को ऐड कर दिया गया अब पहली बार भारत में सिविल सर्विस को ओपन कर दिया गया था फॉर इंडियंस यहाँ पे हमने पढ़ा था 1833 में कि सिर्फ अटेम्प्ट किया था 1833 ने क्या किया था एक सिर्फ अटेम्प्ट किया था टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन पर असल में सिविल सर्विस कब ओपन होती है एटीन में राइट right? और फाइनली लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था उसमें भारतीय लोग भी अब रिप्रेजेंट करना शुरू हो गए थे राइट सो दिस वाज दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू योर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ओके नाउ लास्ट में ये थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हुआ है दिस शुड बी 1857 ओके okay? अब आप सभी को पता है कि इसको हटाई देता हूं यार ये थोड़ा सा मिसप्रिंट ही हुआ है जस्ट इग्नोर दिस ठीक है तो नाउ वापस ये ये लॉर्ड डलहौजी नहीं है दिस इज लॉर्ड कैनिंग नाम चेंज चेंज हो गया नहीं किया था ओके ओके फाइन सो नाउ 1857 में आप सभी को पता है कि एक रिवॉल्ट होता है राइट right? एक आंदोलन होता है और उस आंदोलन की वजह से क्या होता है बिकॉज ऑफ दैट रिवॉल्ट ब्रिटिश सरकार ये सोचती है कि अब बस हो गया अब हमें कोई भी uh, अब बस हो गया कि अब हमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देना है क्योंकि तब तक ब्रिटिश सरकार ये जान चुकी थी कि इंडिया भारत जो है वो उसकी सबसे कीमती कॉलोनी है इट इज़ द मोस्ट प्राइज्ड कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एंड एट एनी कॉस्ट दे डू नॉट वॉन्ट टू लूज इंडिया वो भारत को नहीं खोना चाहते थे और उन्हें पता था कि अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही सारा कारोबार रहा तो uh, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है भारत में ये ठीक से नहीं हो पाएगा राइट ओके राइट तो देर फोर वॉट है कि 1858 में 1857 में रिवोल्ट होता है 1850 सॉरी दिस इज 1858 सो so 1858 में क्या होता है 1858 में एक नया एक्ट पास होता है जिसे कहते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है 1858 में एक एक्ट पास होता है विच इज कॉल्ड एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया जो ड्यूएल गवर्नमेंट सिस्टम था ड्यूएल गवर्नमेंट सिस्टम कब आया था पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स राइट ये जो सिस्टम था ये सिस्टम को इस पर्टिकुलर एक्ट ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट को हटा दिया और कौन सी पोस्ट को बनाया इन्होंने इन्होंने बनाया ओके okay? उन्होंने एक वाइस रॉय वाली पोस्ट बना दी ओके okay, सो so पहले वाइस रॉय कौन थे so lord canning was the first viceroy right so lord canning lord canning was the first viceroy of india who was the last governor general of india can anyone tell me who was the last governor general of india who was the last governor general of india can anyone tell me this right so last governor general of india and first viceroy of india was one person only which was lord canning ठीक है तो लॉर्ड कैनिंग द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट ऑफ इंडिया ठीक है हुआ उसके अलावा एक नया ऑफिस कर दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था ये हम देखते हैं कि ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे राइट आप सभी को मिनिस्टर तो के कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अब इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का काम क्या था कि भारत में ये सपोज भारत देश है तो भारत देश में जो इन्होंने वाइसराय को बिठा के रखा है इस वाइसराय के साथ कोऑर्डिनेशन करना और भारत में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अच्छा करना यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का काम था ठीक है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से मिनिस्टर uh, था जो इंडिया में बैठे के साथ कोऑर्डिनेशन करके भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को की देखरेख करता था ये शॉर्ट में समझ लेना ठीक है ओके फाइन सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बारे में ये सारी चीजें थी राइट right? में पहले हमने cover कर ली है हम एक क्विक रिविजन कर रहे थे इन चीजों का राइट नाउ लेटस टॉक अबाउट द क्वेश्चन ओके क्वेश्चन के साथ डील करेंगे तो बिफोर गोइंग विद द क्वेश्चन आई टेक एक लंबी सांस लेना अपने दिमाग को शांत करना क्योंकि पिछले थर्टी फाइव मिनट से आई गेस चालीस मिनट से हम बहुत फास्ट पढ़ाई किए हैं पर ये फास्ट पढ़ाई करने करने के पीछे एक ही मुख्य उद्देश्य यही था कि क्विक हो ये 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 टाइम 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 नहीं नहीं अब ये पढ़ाने का नहीं, ये करने का है है रिवाइज करने सो वी वेंट अ लिटिल फास्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी मीडियम में है ठीक है सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड टेल मी ऑर आंसर इन द कमेंट सेक्शन उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा सिस्टम ऑफ ड्यूएल गवर्नमेंट सेवेंटीन सिक्सटी फाइव बेंगाल वॉर सेटअप बाई हिंदी में यह साइड में दिया गया ना धोहरी सरकार की प्रणाली सत्रह सौ पैंसठ बंगाल में किसके द्वारा स्थापित की गई थी ओके फाइन चलो आई एम गेटिंग आंसर्स I am getting answers. 90% 90% so, कि ये आपने मुझे आंसर दिया है, right? okay? 90 बाकी के कह रहे दोस्तों पहली चीज सिस्टम ऑफ ड्यूएल गवर्नमेंट 1765 मेंशन किया है मैंने आपको क्या कहा था बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था कोई बता सकता है मुझे बैटल ऑफ बक्सर हुआ था सत्रह सो तिरसठ में राइट right? 1763 में बैटल ऑफ बक्सर होता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन होने के बाद सत्रह से लेके सत्रह तक या 1771 तक सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट सेटअप किया जाता है बंगाल में किसके द्वारा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और इस सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट को हटाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लाया गया राइट right? राइट right? है ना देर फॉर द करेक्ट आंसर वुड बी रॉबर्ट क्लाइव इज इंट द करेक्ट आंसर रॉबर्ट क्लाइव जितने लोगों ने वो मार्क किया था वॉरन हास्टिंग वॉरन हास्टिंग पिक्चर में वॉर हास्टिंग पिक्चर में कब आता है वॉर हासिंग्स पिक्चर में आता है कब आता है जब सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट हटाकर रेगुलेटिंग एक्ट आती है तब वॉर हास्ट पिक्चर में आता है ठीक है सो प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स यही छोटी छोटी गलती आप एग्जाम में करते हो प्रश्न बहुत आसान होता है दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बट आपने उसको पढ़ने में गलती कर दी ठीक है ये नहीं करना एग्जाम में ये एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स है ठीक है ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा Which of the following acts made the presidencies of Madras and Bombay completely subordinate to the presidency of Calcutta? निम्नलिखित में से किस आदिनियम ने मद्रास और बॉम्बे की presidency को पूरी तरह से कलकत्ता की presidency के अधीन कर दिया? Question number two on your screen, everyone. ओके फाइन सो इस इस सवाल का सब सब लोगों ने सही जवाब दिया है 1833 के अधिनियम में यह हुआ था राइटीन right? थर्टी 1833 के एक्ट में मद्रास और बॉम्बे की जो लॉ मेकिंग पावर्स थी दोस्तों हमने अभी देखा रिविजन करते वक्त कि जो लॉ मेकिंग पावर्स थी वो लॉ मेकिंग पावर्स उठ के किसके पास आ गई थी बंगाल के गवर्नर जनरल के पास जिसका डेजिग्नेशन चेंज होकर क्या होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे

लेट्स कम टू दर्ड स्टेटमेंट सेंट्रलाइजेशन वेरी गुड एटीन थर्टी थ्री को किसके साथ याद करना है सेंट्रलाइजेशन के साथ याद करना है वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड ठीक है चलो थर्ड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है ठीक है बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इसको एक बार पढ़िएगा थोड़ा सा टाइम लीजिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री को पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लीजिएगा और उसके बाद अपने आंसर अपना आंसर मुझे बताना और दोस्तों जितना हो सके ये सेशन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कल सोनप्रिया मैम बोली थी सो आने चाहिए यहाँ तो पचास भी नहीं हो रहे पचास हो गए पचास हो गए यस yes, पचास हो गए कम ऑन चलो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सब मुझे आंसर देना है सबने एवरीवन टेक योर टाइम आई नो थोड़ा सा लेंगदी क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो पेयरिंग सिस्टम दिया है वो भी मैंने 2022 के हिसाब से ही दिया है तो थोड़ा सा टाइम लीजिए इस क्वेश्चन को अब इस क्वेश्चन के मुझे बहुत ही वेरिड आंसर्स आ रहे हैं बहुत ही अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं ओके okay? चलो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है चार्टर एक्ट ऑफ एटीन सेपरेटेड द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल पहला स्टेटमेंट कितने लोगों को लगता है सही है उ मेनी ऑफ यूर फील स्टेटमेंट इज कर फर्स्टमेंट इज कर फर्स्ट स्टेटमेंट यह कह रहा है कि जो भी था, उन उसने गवर्नर जनरल परिषद के कार्यकारी और विधायी कार्यो को अलग कर दिया सो so, हमें पता है एटीन फिफ्टी थ्री में क्या हुआ था सेपरेशन राइट एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग कर दिया गया था सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एवरी वन अग्रीज विथ मी

उ मेनी ऑफ यूर फील थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके अब ये थर्ड स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि प्रविधान था कि एक लाख रुपए होने आपने खर्च करने चाहिए राइट चार्टर एक्ट ऑफ 1813 थर्टीन मेड द कंपनी स्पेंड एन अमाउंट ऑफ वन लाख रुपीज ऑन एजुकेशन इन इंडिया पर क्या कंपनी ने वो पैसा एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया क्या क्या कंपनी ने वो एक लाख रुपए एजुकेशन के ऊपर खर्च किए खर्च नहीं किए तो स्टेटमेंट क्या अभी हिंदी में पढ़ते चार्टर एक्ट ऑफ ने कंपनी को भारत में शिक्षा पर एक लाख रुपए खर्च करने के लिए बाध्य किया था बाध्य किया था मतलब चार्टर एक्ट में ये था लिखा हुआ कि आप एक लाख रुपए खर्च करो पर कंपनी ने नहीं किया

राइट सबको ये क्वेश्चन क्लियर है एवरी वन क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द are फीचर्स ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ Act of 1813? 1813 के चार्टर एक्ट के फीचर्स आपको बताने हैं चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दीजिए सब ओके सो डी इज वॉट आई एम गेटिंग डी 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 सी डी सी डी सी सब वही चल रहा है राइट तो मोस्ट ऑफ यू ऑल आर मार्किंग दिस पर्टिकुलर आंसर करेक्ट ठीक है ओके सब लोग थोड़ा सा पानी लेके साइड में बैठिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं उस पानी में डूब डूब ही जाऊँ ठीक है क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल चार्टर एक्ट ऑफ हूं किसी ने ये करेक्ट नहीं पढ़ा है दावे के साथ कह रहा कितने लोगों ने नहीं पढ़ा ये वर्ड इनकरेक्ट अब आते हैं पहले स्टेटमेंट में इट डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों ये चीज 1813 में हुई थी या 1833 में हुई थी 1813 में हुई थी या 1833 में हुई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब होते 1813 में होते हैं या 1833 के एक्ट में होते हैं 1833 के एक्ट में होते नहीं यस तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग आई मार्क फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग सेकेंड स्टेटमेंट It allowed क्रिश्चियन मिशनरीज टू पीच द religion सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो भारत में आके अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे तो 1813 में ही हुआ था ठीक है तीसरी चीज इट कंप्लीटली रिमूव इस वर्ड को मैं अंडरलाइन करूंगा इट कंप्लीटली रिमूव द मोनोपोली ऑफ द कंपनी फ्रॉम ट्रेड इन इंडिया इट कंप्लीटली रिमूव द मोनोपोली ऑफ कंपनी फ्रॉम ट्रेड इन इंडिया अठारह में कंप्लीट मोनोपोली खत्म हुई थी क्या अगर हुई थी तो चाइना के साथ चाय का व्यापार और ओपीएम का व्यापार की मोनोपोली किसके पास थी फिर तो कंप्लीटली रिमूव हुआ था क्या 1830 में नहीं 1833 में जाके कंप्लीटली रिमूव होता है राइट right? 1833 में जाके कंप्लीट रिमूव होता है 1813 में कंप्लीट रिमूव नहीं होता देर फोर दिस ऑल्सो मार्केट इज रॉन्ग राइट अब इन्होंने पूछा है विच ऑफ द पॉलिंग आर इनकरेक्ट वन इज इनकरेक्ट एंड थ्री इज इनकरेक्ट करेक्ट वन एंड थ्री कौन यहां पे ऑप्शन में मेरा बी आएगा वन एंड थ्री ओनली आर इनकरेक्ट दूसरा राइट है राइट एवरी वन गेटिंग दिस एवरी वन गेटिंग दिस पीपल यू आर विथ मी सबको समझ में आ रहा है इनकरेक्ट नहीं देखा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए दो, सिर्फ दो नहीं जाएंगे, जाएंगे, भी चले जाएंगे, right? so, ये एक incorrect ना देखने की सजा होती है, याद रखो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आते रहते हैं वो आप गलत करते हो मतलब आपके दो मार्क्स तो चले गए और नेगेटिव मार्किंग का पॉइंट सिक्स तो चले जाएगा सो so, एक इनकरेक्ट ना पढ़ने की सजा टू पॉइंट सिक्स सिक्स मार्क्स है ठीक है चलो uh, I guess we are running out of time. तो so, एक काम करेंगे आज के जो मास्टर क्लास है ओके okay? आज का जो मास्टर क्लास है उस मास्टर क्लास में याद रखिएगा दोस्तों मास्टर क्लास होता है पांच बजे फाइव पी इन फाइव पी मास्टर क्लास में हम एक आज के आज से आज से जो भी मास्टर क्लास होगा उसमें हम दस क्वेश्चन का एक टेस्ट लेंगे ठीक है जो भी टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया है सपोज हमने 1858 तक के जो एक्ट्स है वो सारे पढ़े फाइव पी वाले क्लास में दस क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे जो टॉप करेगा वो टॉप करेगा उसके लिए कुछ ऐसा कोई खास प्राइज नहीं है पर यू शुड ट्राई टू आंसर टेन आउट ऑफ टेन आज से कोशिश करना कि मेरे 10 में से 10 नंबर कैसे आएंगे इन टेस्ट में ठीक है ओके ठीक है ओके okay? तो अभी हमने इतने ही क्वेश्चन सॉल्व किए बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम बट नेवर हम क्या करेंगे आज के मास्टर क्लास दोस्तों पांच बजे मास्टर क्लास में आना किसने भूलना नहीं है ठीक है क्योंकि क्या होता है सुबह के क्लास में जो अभी का क्लास चल रहा है उसमें हमें कंटेंट भी रिवाइज करना है और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं पर शाम वाली क्लास में हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं हमारे पास जो हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम ज्यादा एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करेंगे ठीक है कि हम एक्यूरेट कैसे हम ज्यादा एक्यूरेट होंगे ठीक है राइट सो टेन आउट ऑफ टेन इज योर टारगेट फॉर फाइव पी एम वाला मास्टर क्लास ठीक है ओके यश कह रहे सात मिनट है अभी यश आइडियली सात मिनट है पर क्या हो रहा है ना कि जो अगला वाला लेक्चर होता है तो वो फिर लैब स्टूडियो सेट करने में पांच मिनट का डिले हो जाता है फिर वो, वो लेक्चर लेट स्टार्ट होता है तो अभी हमें कहा गया है कि आप पांच मिनट पहले ही क्लास को छोड़ दीजिएगा सो क्लास हाँ जी हाँ टॉपिक के बारे में टॉपिक के बारे में टॉपिक वही होंगे जो हमने सुबह की क्लास में रिवाइज किए हैं यही टॉपिक्स होंगे जो हम शाम के क्लास में भी करेंगे ठीक है ओके और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए होंगी तो लेट मी नो आई सेंड दिस पीडीएफ और मैं मैं जानता कि इंटरनल सिक्योरिटी के भी कुछ पीडीएफ देने बाकी हैं वो भी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ये मेरे टेलीग्राम चैनल की आईडी है इस आईडी पर जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो ठीक है ओके चलो फाइनली अगर आपको ये वीडियो uh, पसंद आया होगा अगर आपने पिछला एक घंटा आपको लगा होगा कि आपने बहुत आपको आप, आपकी कुछ पढ़ाई हुई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा सो दैट वी गेट मोर मोटिवेशन टू ब्रिंग ऑल द स्टफ और संग्राम का आज पहला दिन था ऐसे ही हम हंड्रेड डेज के हंड्रेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डील करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या कैसे करना है ओके okay? फाइन चलो थैंक यू थैंक यू सो मच बाय बाय गाइस शाम के सेशन को पांच बजे आना है सबने राइट right? चलो बाय बाय टेक केयर गाइस